नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूँ। आप मेरे पीछे बोर्ड पे कुछ देख भी रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं एक UP SSSC में वैकेंसी को लेके परेशान हैं। यकीनन 2016 की वैकेंसियाँ आज तक क्लियर नहीं हुई हैं, कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ उन बच्चों का दर्द, उन सारी चीज़ों को समझ सकता हूँ जो आप किसी चीज़ से जो आपके ऊपर बीत रहा है। एक बच्चे ने हमसे बोला भी सर कि एक बार आप इसके बारे में बच्चों को अवगत करा दीजिए। ये कहीं ना कहीं एक जानकारी आज इस सेशन में मैं इसको तो लेके बताऊंगा ही, प्लस ये भी मैं आपको थोड़ा जागरूक करना चाहूँगा ऐसी कितनी वैकेंसियाँ हैं जिसके बारे में अभी आयोग सुस्त पड़ा हुआ है, जिनमें तेज़ी लानी चाहिए और क्या क्या आ सकता है। एक तो सबसे बड़ा बात यही है कि अगर 25 तारीख को कुछ बच्चे जो हैं वो धनिष्ठ जा रहे हैं UP SSSC यहाँ पे जा रहे हैं गोमती नगर में, और वहाँ पे धरना की बात कर रहे हैं, किस वैकेंसी को लेके, सहायक लेखाकार है ना, असिस्टेंट अकाउंट की, ये कब से पड़ी वैकेंसी है, 7-8 साल हो गए, और ऑडिटर भर्ती की पद भी इसमें बहुत अच्छे खासे हैं, लेकिन जो बच्चे कहीं ना कहीं बीकॉम वाले हैं, ओ लेवल वाले हैं, उन्हें अटके पड़े हुए हैं, इस भर्ती के इंतजार में हैं। तो मैं इतना बोलूंगा कि उन बच्चों का आप भी साथ दीजिए, यदि आप इस भर्ती से संबंधित हैं तो आप अवश्य 25 तारीख को 10 बजे वहाँ पर जाएँ, बच्चों से मिलें और उनका सपोर्ट भी करें, और कहीं ना कहीं ये आप अपना ही सपोर्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे बच्चे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे तमाम सारी वैकेंसियाँ हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। एक तो मैं कुछ ये बता दूँ कि जो नई वैकेंसी आने वाली है या आ है उनके बारे में बता दूं, कब आ जाएगी है। AGTA की वैकेंसी है, इसके लिए भी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, कब से अधियाचन मिल गया है, कब से आयोग को फाइल मिल गई है, अब आयोग को ही केवल वैकेंसी निकालना है, उनसे जब कोई बात होती है तो बस उनका यही कहना रहता है कि 15 दिन में 20 दिन में 15 दिन में 20 दिन में, लेकिन पिछले 4 महीने में उनका केवल एक रट लगा है, 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन। हालांकि एक बार फिर से उन्होंने 15-20 दिन का वादा किया है, तो ये सितंबर के अंतिम सप्ताह में इस बार थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक चीज समझना कि ये मैं केवल वही बात आपसे बोल रहा हूँ जो एक अनुमान है, कहीं मैं बहुत सॉलिड कंक्रीट बात इसे मत समझना, जो वहां से एक जानकारी प्राप्त है कि अब ज्यादा लेट नहीं करेंगे, 15 से 20 दिन में निकाल देंगे, तो सितंबर अंतिम सप्ताह में 3477 पद के इसमें हैं, और बहुत अच्छे खासे पद हैं AGTA के लिए, जो BSc एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। वर्ष 2018-19 में आई थी, दोबारा 4 साल हो गए इन वैकेंसी को आना है, बट आई नहीं है, तो इनके लिए भी जब आप 25 तारीख के जाओ, तो जो बच्चे अगर AGTA वाले हैं मैं तो कहूँगा आप भी उनके साथ में चले जाओ। सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षा की मैंने बात ही की, 1900 पद कम नहीं है, है ना, आप भी उनके सपोर्ट में जाओ। लेखपाल की नई भर्ती आनी है, लेकिन कब, ठीक है PET 2022 हो जाने दो, लेकिन कम से कम आप बच्चों को एक आश्वासन तो दे दो, हाँ एक एग्जाम कैलेंडर निकाल के दे तो दो कि हाँ भैया हमारी नई भर्ती लेखपाल की आएगी। लगभग 5000 पद इसमें भी खाली हैं। वीडियो की नई भर्ती 2000 से पद इसमें भी खाली है। री एग्जाम का अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से क्या हुआ है, खारिज हुआ है, मतलब कि अब वो एग्जाम फिर से होगा ये निश्चित है। कब होगा, पहले तो आयोग बोल रहा था कैलेंडर में पहले ही दिया था नवंबर दिसंबर, लेकिन बीच में वो खुद ही सुस्त हो गया, तो एक बात समझते हुए चलना कि वीडियो की जो पुरानी भर्ती है वो दिसंबर से जनवरी 2023 में जाएगी, इसके साथ आप तैयारी करते हुए चलो। तो ये नई वैकेंसियां हैं, ऐसी बहुत सारी वैकेंसियां हैं, जैसे एक्सरे प्रविधिक के हैं, है ना, यहाँ पे शुगर केन हैं, सुपरवाइजर के हैं, ऐसे बहुत सारी भर्तियां हैं, मुख्य सेविका का तो मान लो चल ही रहा है, और भी आपके जो स्वास्थ्य विभाग हो गया या फिर शिक्षा विभाग हो गया, इनके क्लर्क के पोस्ट हैं जिनके अध्याचन मिल रहे हैं, बट आयोग अभी निकाल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके लिए प्रेशर बनाएंगे, इसके लिए प्रेशर बनाएंगे, एक में हमें सफलता मिलेगी तो हम अन्य वैकेंसीज के लिए भी प्रेशर बना के उनसे अपना जो नोटिफिकेशन है वो निकलवा सकते हैं। हम यहाँ पे देख लें कि जो रिजल्ट अभी हाल ही में आने वाले हैं, तो आप पूछते रहते हो सर लेखपाल का रिजल्ट कब आएगा। अच्छा एक बात और, यहाँ पे बच्चे लेखपाल के कट ऑफ के बारे में जिक्र करते रहते हैं, मैं इतना बता दूं बच्चों को, देखो लेखपाल का कट ऑफ थोड़ा सा तो हाई जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो आप लोग, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम निराश हो जाओ। आपके अगर 75+ 77+ नंबर बन रहे हैं तो इसके इर्द गिर्द ही रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 85 पहुँच जाएगा, लेकिन हाँ बहुत इसमें टॉलरेंस लंबा लिया जा सकता है, बट ये मेरा फाइनल नहीं है, एक केवल वो लगा सकता हूँ कि 76 से लेकर 78 के इर्द गिर्द ही आसपास ही रहेगा, हो सकता है एक दो नंबर ज़्यादा एक दो नंबर कम, इससे आसपास ही रहेगा। तो ये नवंबर में आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, और इसके लिए बोल रहे हैं कि मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग भी करवा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मार्च में ज्वाइनिंग करने की बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बहुत सारी वैकेंसियां हैं, जूनियर असिस्टेंट 2016 की, 2016 का पेपर 2019 में हुआ, 2020 में टाइपिंग हुआ, 2021 पढ़ा रहा, 2022 में भी ज्वाइनिंग देने को तैयार नहीं है,
जूनियर असिस्टेंट 2019 का देख लो, जूनियर इंजीनियरिंग 2016 का देख लो, तो ये सारी चीज़ें वो लेट लतीफ़ तो कर ही रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो आप जाओ उन पर प्रेशर बनाओ। हालांकि कहते हैं सबसे तेज़ हम काम करते हैं, जब भी उनके पास जाओ कहते हैं हम तो सबसे तेज़ काम करते हैं, लेकिन ये विडंबना कहते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आता। इतना तेज़ काम कर रहे हो कि अब 2016 से लेकर 2022 तक 8 साल में क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ फाइनल हो गया है तो आप उनका ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दे पा रहे हो, ऐसा क्या है? जेए 2019 का जो रिजल्ट है इस पे मैक्सिमम काम हो गया है, 80% काम इसका कंप्लीट हो गया है, और ये 25 सितंबर से पहले पहले इसका क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मेरिट इसकी भी अच्छी खासी जा रही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लोअर 2019 का जो फाइनल रिजल्ट है ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में अति संभावित है, मतलब इससे ज़्यादा लेट करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आप दिमाग में रखते चलो जो लोअर वाले हैं। अपकमिंग कौन कौन से एग्जाम है ये मैं आपको बता दूं, तो वन रक्षक तो आपका 21 अगस्त यानी कल ही है, बाकी आपका पीईटी 2022 15-16 अक्टूबर है, चार पालियों में 2 दिन में होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके लिए आप पहले से सचेत रहना। वीडियो एग्जाम का जो परीक्षा है वो दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में के महीने में हो सकता है, इन्होंने पहले ही कैलेंडर में जारी कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट से तो अब इस पर ये काम करना शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो आने वाले एग्जाम है, लेखपाल की नई भर्ती है, वीडियो की नई भर्ती है, उसके बाद आपका एजीटीए है ही है, आपका लेखाकार की भर्ती है ही है, एक्सरे का है ही है, केन सुपरवाइजर का है ही है, तो कम से कम नहीं तो 10 वैकेंसियां, फ्रेश वैकेंसियां यूपी ट्रिपल एससी को निकालना है। कब निकालता है? उम्मीद है कि 2022-2023 में निकालेगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हो वो होपफुल थोड़ा सा रहो कि आने वाले 7-8 महीने में बहुत ज़्यादा वैकेंसी अधिनियम से आपकी आने वाली है, तो तैयारी आप करते रहो, बाद में शायद समय ना मिले, अभी सही समय है। आप खुद से पढ़ो, आप अपने घर में बैठ के मेहनत करो, किसी को बताओ मत, हल्ला मत बचाओ, बट आप पढ़ो, आप खुद से अपने लेवल पर गंभीरता लेके, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कहीं मत कोर्स वोर्स ज्वाइन करो, लेकिन आप खुद तो पढ़ सकते हो ना बच्चों, किताबें जो आपके पास हैं आप वहाँ से पढ़ो, इतने सारे फ्री रिसोर्स हैं वहाँ से पढ़ो, अपने साथ गलत मत करो, पढ़ाई आप कंटिन्यू रखो। चलिए ऐसे तमाम सारी चीज़ों के साथ और भी सारी चीज़ों के साथ आपके साथ मैं फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई भी कमेंट हो या भी कोई भी क्वेश्चन हो या भी कोई भी डाउट हो किसी से भी संबंधित, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपकी समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। धन्यवाद सभी का।